खरगोन जिले में अवैध रेत उत्खनन परिवहन को लेकर खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। वहीं वर्ष 2019 से जिले की खदानों का ठेका होने के बाद अब खनिज विभाग अवैध रेत उत्खनन पर चौकसी बरतकर पुलिस और राजस्व विभाग को आदेश करके अपनी भूमिका निभाएगा। इस दौरान खनिज विभाग अधिकारी सावन सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जिले भर में रॉयल्टी की खदान से रेत निकाली जा रही है, लेकिन शासन की मंशा अनुरूप अगर अवैध उत्खनन की सूचना प्राप्त हुई तो उचित कार्रवाई के लिए बाध्य रहेंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि नई खनिज नीति, रेत खनिज नीति 2019 में लागू हुई, उसके बाद नीलामी मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश में अपने अभी 2019 में टोटल 28 खदानें नीलाम हुई। वो भोपाल के ठेकेदार श्री आर के गुप्ता जी ने अपने यहाँ की खदानें सारी खरीदी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन खनिज विभाग ने 22 फरवरी 2020 में हर जिले में ठेकेदार, जो संबंधित ठेकेदार है उसको जिले में एरिया चिन्हित करके चौकी लगाने के लिए उसको निर्देश दिए हैं। इसमें जैसे खरगोन में अभी वर्तमान में जैसे 24 चौकियां लगाने के लिए कलेक्टर द्वारा आदेश किया गया है, और चौकी लगाने का मकसद यही है क्योंकि उन लोगों ने मतलब कि रेत खरीदी जिले की, तो जिले में कोई भी अवैध उत्खनन परिवहन होता है या उस रॉयल्टी चेक करने का उनको अधिकार है। अगर उस वो अवैध परिवहन करता है तो उसके बारे में वो संबंधित अनुविभाग अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार या संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी, खनिज इंस्पेक्टर या माइनिंग ऑफिसर को अगर उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो वो सूचना दे सकता है, क्योंकि उसकी रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है क्योंकि उसने जिले में रेत खरीदी है इतने बड़े स्तर पे। अगर ऐसा चलेगा तो कैसे चलेगा। इसलिए जो चौकी स्थापित हुई, इनके रजिस्टर्ड जो ठेकेदार है आर के गुप्ता जी, इनके रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो उस चौकी पे बैठते हैं और निरीक्षण करते हैं। अभी क्या तकलीफ आ रही है चौकी लगाने को बात कर लेगा? नहीं, अभी जैसे कभी सारी खदानें चालू नहीं हुई है तो कहीं कहीं देखने में आता है कि वो बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ चल रही है, तो फिर वो लोग हमको सूचना देते हैं। हमारे इंस्पेक्टर मैडम ने मतलब कि ऐसे में कार्रवाई की, तो बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि क्यों पकड़ रहे हैं, इनको क्या अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है, भैया उन्होंने रेत खदानें खरीदी है, वो विधिवत कलेक्टर साहब का आदेश है, ये 30/7 का आदेश है, उन्होंने स्पष्ट उसमें बिंदु दिए हैं कि उनको क्या क्या करना है। तो भैया वो तो उनके नियम के अनुसार काम कर रहे हैं और उनके संबंधित व्यक्तियों की लिस्ट हर थाने में दी गई है, तो ये तो उनका अधिकार है, वो चला रहे हैं और वो अगर अवैध परिवहन उत्खनन हो रहा तो उसको रोकने का उनको राइट है। इसमें जैसे पुलिस सहयोग नहीं करती है अगर ठेकेदार के लोगों को, तो किस तरीके से फिर खनिज विभाग कार्रवाई करेगा? अगर पुलिस सहयोग नहीं करती हमारे पास इसका वो आता तो हम कलेक्टर महोदय के द्वारा SP को हम लोग बोलेंगे कि उनको निर्देशित करें और मतलब कि सहयोग प्रदान करें। कुछ बातें ऐसी भी आती है कि ठेकेदार के लोग भी दादागिरी करते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएगा? अगर दादागिरी करना नहीं, अगर वो लोग ठेकेदार लोग अगर गलत इलीगल कर रहे हैं, अवैध उत्खनन परिवहन इस टाइप की कुछ वो कर रहे हैं, तो उसमें खनिज विभाग जिम्मेदार है, वो उस पर कार्रवाई करेगा। अब अगर वो दादागिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसको पुलिस का बेटर है अब उसमें, तो क्योंकि वो दादागिरी तो करने का किसी को राइट्स नहीं। सर अब तक अवैध उत्खनन जो होता रहा जी, अब वो जो लोग कर रहे हैं जैसे ठेकेदार जी, अब वो उन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी जी, तो वो उनको कैसे रोका जाएगा? ये तो ठेकेदार का मतलब कि आपस का वो है, वो तो या तो लोगों से मतलब वहाँ के लोगों से बात करके और उनसे आपसी समंजस बिठा के उनको काम दे या कुछ भी, वो ठेकेदार का लुकआउट, क्योंकि खनिज विभाग का डायरेक्ट उस पर कंट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि खनिज विभाग ने सारी खदानें माइनिंग कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिए, अब माइनिंग कॉरपोरेशन ने उसको ठेकेदार को नीलाम कर दिए, तो माइनिंग विभाग उस पर सिर्फ उस पर मॉनिटरिंग कर सकता है कि अवैध उत्खनन परिवहन का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, भैया वो इलीगल कर रहा है या इसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बाकी पूरा उसकी इवन की इसकी जो राजस्व की प्राप्ति होती है वो भी जिले की राजस्व प्राप्ति में उस रेवेन्यू उसका ऐड नहीं होगा, वो सीधा शासन के खाते में जा रहा है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।